हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मन बहुत ज़्यादा उदास है, आज ही नहीं मतलब कई दिन से। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई आपका अपना बहुत करीबी आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है ना, तो वो सारी बातें वो पल आपको बहुत रह के याद आते हैं, क्योंकि आप अकेले रह जाते हो, आप समझ नहीं पाते कि ये सब बातें किससे शेयर करें। और मैं ही नहीं, आप सबके लिए माँ ज़िंदगी में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, कि हम कुछ भी नहीं, शब्द नहीं होते हैं ऐसी चीज़ों के लिए कहने हैं। आप लोगों को मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ जो लोग मेरे फ्रेंड मेरे से जुड़े हों, उन्हें पता है कि लास्ट ईयर मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था, तो आज उनके मतलब श्रद्धा जली कनागत में, तो वो श्राद्ध तो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि गया और बद्रीनाथ में हम अपने माता पिता का तर्पण कर आए हैं। लेकिन पर एक वो बनता है कि हम उनके जन्मदिन पे कुछ किसी को खिला पिला दें, कुछ थोड़ा सा जो भी मुट्ठी भर चना मटर होता है थोड़ा सा किसी की हेल्प कर दें। तो उसी उसमें मैं माँ के जन्मदिन पर, यानी कि कहाँ गई थी, आज 15 तारीख है, 15 सेप्टेम्बर, हम लोग वैसे जब मम्मी थी तो घर में ही वो थोड़ा सा जो सेलिब्रेट करते हैं कि बाहर से खाना पीना वो सब हो गया, वो तो हर मेंबर के लिए होता है। तो आज मैं कहाँ गई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वो सब चीज़ें मैं, आप बहुत छोटा सा वीडियो है उसको देखिए और बताए। अब यह ना कि आप उन्हीं लोगों के पास जाना चाहते हैं जो आपकी माँ के समकक्ष होते हैं, इसलिए चलिए मैं आपको भी लेकर चलती हूँ और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं, आज का मौसम बहुत ख़राब है, बीच बीच में बारिश हो रही है, काफ़ी बादल है, लेकिन जाना था तो निकलना ही पड़ेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं रामलाल सेवा आश्रम, यहाँ पर जो निराश्रित बुजुर्ग होते हैं उनको रखा जाता है, जिनका मतलब कोई नहीं होता है, बेटे वगैरह वो लोग रहते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं लोगों को खाना खिलाने आए हैं, तो मैंने सोचा आपको भी आज अपने साथ ले चलो। ये देखिए खाने में क्या क्या वैरायटी है, हमने ये पूरी है, खीर है, कद्दू की सब्जी है, राजमा, रायता, मतलब खाना अच्छा है। खाना हमने यहीं पर बनवाया था। और ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे फैमिली का एक एनजीओ है, ये एनजीओ की पूरी टीम यानी कि हमारे सब फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और ये खाना सर्व कर रहे हैं। सच फ्रेंड, थोड़ा सा भी करके एक बड़ा सुकून से एक अच्छा सा लगता है। हम लोगों के यहाँ चाहे बड़े हों चाहे छोटे, कभी हम लोग बर्थडे पे केक वगैरह नहीं काटते, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस तरह कुछ भी जो भी ईश्वर कराए मुट्ठी पर कराए चाहे वही यहाँ पर हम इनको खिला दें। इन लोगों के बीच आके एक बड़ा अपनापन सा लगता है और थोड़ी देर इन लोगों का भी एक मतलब इनको भी एक अच्छा फील होता होगा। आप बताइए फ्रेंड आपको कैसा लगता है, आप लोग अपने घर बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि मैं अपने इसके वीडियो कम डालती हूँ, बल्कि पर इस बार मैंने सोचा लाइए आपके संग यही वीडियो शेयर कर दूँ। आपको कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताना। और फ्रेंड चलिए मिलवाती हूँ। 10 साल हो गई। तो आप यहाँ पे सारे दिन रहती हैं क्या? हाँ, पूरे दिन शाम को जाता है। आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? आपका तो बहुत ही बहुत इसका कहना चाहिए कि इतने सेवा कार्य कर रही हैं आप। नमस्कार बाबू जी। तो आप यहाँ पर कब से रह रहे हो? 1.5 साल करीब हो गया। 1.5 साल से आप? मैं कह रहा हूँ 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गई। आपको अच्छा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। आपके घर से कोई आता है कभी मिलना यहाँ? पर वही है, यहाँ पे सब अपनी हम उम्र हो जाते हैं। सचन पर हमको भी 2-2.5 आप कब से माता जी? ज्यादा दिन हो गए हैं। आप देखिए ये फ्रेंड देख रहे हैं आप, ये बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ पर, इनको एक कमरे में 2-2, 3-3 रहते हैं। ये देखिए खाना लेने के लिए जब ये लोग आते हैं तो इस तरह लाइन लगा कर आते हैं। ये वीर सिंह जी हैं, इन्होंने ही इस आश्रम की स्थापना की थी। ये मैं हूँ, सविता है, अभी है, मतलब हमारी टीम, ये यहाँ इन लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं।
बताइए फ्रेंड, आपको इन लोगों से मिलकर कैसा लगा? जल्दी से एक बहुत अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।